अच्छा, आपने इंडिया का एक बड़ा पॉइंट उठाया कि इंडिया से कुछ लोग आए थे। आप मुझे बताएं कि आपका भी इंडिया जाना हुआ, आपने बताया मैं गया था इंडिया। सो बताएं वो क्या हुआ था। मैं गया था रेस्ट करने के लिए कि मैं एक मेरे अजीज रिश्तेदार थे, अजमेर शरीफ देखना चाह रहा था मैं अपने वालिद और इनकी जगहों को, आबाई जगहों को। फिर कहने का मामा जी ये बताओ यार आप करो क्या है, करते क्या हो पाकिस्तान में। मैंने कहा हुसैन ने बताया नहीं आपके छोटे भाई ने पाकिस्तान आया था। नहीं, मैंने कहा ये काम करता हूँ। अरे मामा जी बढ़िया काम करते हो ये तो। अच्छा ऐसा करो सिविल अस्पताल चलते हैं, वहाँ थैलेसीमिया का वार्ड बना हुआ, हम भी ब्लड ब्लड का बंदोबस्त करते रहते हैं वहाँ भी। मुझे वो ले गया वहाँ वार्ड में। तो वार्ड जो था बच्चों को ब्लड लग रहा था, तो मैं देख रहा था कोई आदमी बच्चों को ब्लड को यूँ दबा रहा है, कोई पान की पिचकारी मारे हुए कोई क्या। तो मैंने कहा आपके बच्चों को डिस्पोर इंजेक्शन नहीं लगता आयरन निकालने का, और ये आपने कैसे डंडी में कील टांगी हुई उसमें ब्लड लटकाया हुआ है। तो मैंने कहा ये तो हिंदुस्तान तो 100 साल पीछे है हमारे से। मैंने ऐसी जो वहाँ किसी साफी के बच्ची को ब्लड लग रहा था हिंदुस्तान टाइम्स की, ओके उसने एक न्यूज़ लगा दी कि पाकिस्तान से आए हुए मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से 100 साल पीछे है और मैं हूँ इंडिया में हूँ मैं। और ये कितना रिस्क वो है। उसने जब ये बात कही फिर उसके बाद चौंका दिया ना हिंदुस्तान टाइम्स दुनिया का बड़ा अखबार है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा अखबार है। तो उसने लिखा कि इकबाल साहब पाकिस्तान से आए तो उन्होंने विजिट किया थैलेसीमिया सेंटर्स का, तो वो बता रहे थे कोई पिचकारी मार रहा है, कोई खून की बोतल को यूं यूं दबा रहा है, बच्चों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे आयरन के, तो ये तो रियासत की कमजोरी है, उसको आयरन मिलना चाहिए। मैं तो सोच रहा था आप लोग बहुत आगे काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो पाकिस्तान में तो तमाम सहूलत देते हैं, ख़ास तौर पर हमारा अदारा काशी इकबाल थैलेसीमिया सेंटर। फिर उसने वजाहत कर दी ना, जब उसने जो वजाहत की तो कौन से साल की बात है ये, मेरे ख्याल में 2009 की है, 9 ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हाँ फिर तो फिर जब उसने ये बात कही तो वो अखबारात ने हल्ला गुल्ला कर दिया, हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है। जैसे हमारे जंग अखबार है ऐसे कोई उनका मशहूर अखबार भी निकलता है कोई, मेरे पास उसकी कटिंगें पड़ी हैं सारी। वो लिख रहा है कि मोहम्मद इकबाल कहते हैं पाकिस्तान से आए हुए, ये ज़रूर जुमला डाल रहे थे साले, पाकिस्तान से आए हुए मोहम्मद इकबाल कहते हैं कुंडली मिलाने से पहले थैलेसीमिया टेस्ट कराएं वरना सवालिया निशान, रेड कलर में उसने डाल दिया अखबार ने। अब वो एक हल्ला गुल्ला मच गया डॉक्टरों के उसके अंदर भी। इसमें मुझे कहा मामा जी बड़े लोग आ रहे और आपको प्रेस क्लब में आपको बुलाया, फिर जयपुर वाली पे आप प्रेस कर। मैं यार पाकिस्तान से गया, मैंने कहा यार प्लान भी नहीं था, पाकिस्तान के हिसाब से मैंने बात करता हूँ तो ये तो मैं हिंदुस्तान के हिसाब से क्या बात करूँगा, बड़ा मसला हो गया मेरे लिए। तो मामा जी बात तो करनी पड़ेगी, अभी चलो कलेक्टर साहब ने बुलाया आपको, मैं चला गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो साफियों का जमघटा कि मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान से आए हुए हैं, ये कह रहे हैं इनकी खटिया खड़ी करनी है इनकी। तो हेमाटोलॉजी भी बुलाए हुए थे, डॉक्टर भी आए हुए, पूरा कॉन्फ्रेंस रूम भरा हुआ, एक जैसे फिल्मी सीन नहीं होता वो। मैं भी इंसान हूँ, मैंने गिना कि 20-22 तो कैमरे लगे हुए थे टीवी के चैनल के। अब मुझे कह रहे हैं रजाक बाबा जी, अरे मामा जी बड़ा सोच समझ के बोल रहा भैया, सही बात है क्योंकि पाकिस्तानी हो। वो मुझे ऐसे ही मजाक कर रहा था मामा जी, वो हमेशा वाइट शर्ट वाइट कुर्ता और वाइट पजामा पहनते थे, लाल रुमाल उनके कंधे पे रहता था अरबी वाला। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई मैंने बहुत सारी बात की, मैंने कहा कि मैंने इंडिया की बात नहीं की पाकिस्तान की, मैंने ये कहा कि हिंदुस्तान की 1.5 अरब की आबादी है, पाकिस्तान तो छोटा सा मुल्क है, जयपुर जितना भी नहीं, जयपुर भी बड़ा है। जब पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ब्लड लग सकता है तो हिंदुस्तान में तो तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को बच्चों को ब्लड लगता है थैलेसीमिया के। 1 करोड़ भी लगा लें तो 2 करोड़ बोतल ब्लड की हमें चाहिए एक महीने में, साल में ब्लड की बोतलें हमें चाहिए 24 करोड़ इंडिया के बच्चों के लिए। और ये जो 8-10 हज़ार बच्चे से ज़्यादा हर साल पैदा हो रहे हैं इंडिया में, इसको रोकना चाहिए। सबसे बड़ा काम तो ये है अवेयरनेस का,
कि हम 100 बच्चों को ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते हैं, जो नए रोज़ाना आ रहे हैं 100 बच्चे, इसको रोको, लोगों को तरजीह दें हम कि थैलेसीमिया का टेस्ट करा लो, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ मैं, थैलेसीमिया का टेस्ट करा लो, एक नस्ल को बचा लो, वरना फिर बात का पछतावा, ज़िंदगी भर का पछतावा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फिर, आप यकीन करें कि 22-23 टीवी चैनल ने हर घंटे की खबर के अंदर मेरी चंद सेकंड वाली या एक मिनट वाली, किसी ने एक मिनट की, किसी ने आधे सेकंड 30 सेकंड की मेरी न्यूज़ चली है पूरे हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स पे। अब मुसलमानों के काले आना शुरू हो गए बाबा के तौर पे, अरे यार ये इकबाल साहब क्या थैलेसीमिया करे, ये क्या हो गए भाई, ओए भाई इतना पॉपुलर हो गया, ये पाकिस्तान से आया हुआ मोहम्मद, अबे हमारी मीटिंग कराओ भाई, ये एक्सेंट होता है एग्जैक्टली जब, हाँ अरे हमारी मीटिंग कराओ। मैंने कहा बाबा जी के नहीं यार मीटिंग हम इसलिए नहीं करा सकते, ये पूरे मीडिया में आया हुआ इस टाइम, अखबार भरे हुए मेरे पास पड़े हुए बहुत, अखबार के बंडल पड़े हुए न्यूज़ साला, वहाँ तो गाय बकरी भी अखबार पढ़ती हैं ऐसे कंडीशन में, वहाँ पढ़ाई का बहुत, यहाँ तो नहीं पढ़ता ना कोई अखबार, वहाँ बहुत पढ़ते हैं, हर घर में ही अखबार गया हुआ होता है सर, ढेरों फ्री अखबार पढ़े हुए होते पूरे हिंदुस्तान में पूरे। उन्होंने कहा यार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उधर से मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अखबार अब टी वी पर हर घंटे में, मेरे लिए एजाज़ है सर, 1.5 अरब की आबादी में एक आज तक ऐसी को मजाक थी, और डिफरेंट मौजू थेरेसी में क्या चीज़ है यार, लोग पूछ पूछ के परेशान हो गए। फिर मुझे कलेक्टर साहब ने बुलवाया वहाँ पे कि भाई साहब आप थोड़े दिन के वास्ते रुक जाओ, अठीन रुक जाओ, अठीन कहीं करोगे पाकिस्तान जाके। मैंने कहा नहीं मुझे जाना है, मुझे मेरी फ्लाइट मेरी वापस सीट हुई भी है और अगले हफ्ते मुझे जाना। बोला हम बढ़ा रहे हैं ना आपकी सीट। मैंने कहा नहीं मेरे काम बहुत हैं, रमज़ान शायद शुरू होने वाला था। मैंने कहा मैं नहीं ठहर सकता, मेरी मुश्किल है, मेरी वाइफ को एक और डिप्टी कलेक्टर खातून थी वो आ गई, वाइफ से कहा भाभी जी आप रुक जाओ, भाई साहब को बोलो एक हफ्ते के लिए रुक जाए। वाइफ ने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, तो उनके हाथ में, मगर उनका जाना हमारा सेंटर का मसला होता है, जाना ज़रूरी है, ये रुक नहीं सकेंगे ना। अच्छा फिर वो कहने का अच्छा अब हमें जाने में 2 दिन रह गए थे वापस आने में, चलो भाई साहब कल आपका प्रोग्राम रखा है हमने सदर बाजार में, रीगल, उधर भी रीगल है सदर की तरह। मैंने कहा अच्छा, कहना आपने स्पीच करनी है खाली अकेले ने, आपने थैलेसीमिया के बारे में बताना है। मैंने कहा कर लेंगे जब बाबा जी ने बताया, अरे भाई पूरे बाबा जी, अरे मामा जी सारे चारों तरफ से वो बंद करवा रहे हैं सदर की तरह एरिया, इधर से रक्षे नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, बड़े बड़े स्क्रीन लगा रहे। अरे भाई आप तो बहुत बढ़िया बड़े आदमी हो गए भैया, हमारी भी इज्जत हो रही है देखो। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब यार मुझे क्या पता है ये अभी क्या क्या प्रोग्राम बनाया, मरवाओगे तुम ज़रूर, पाकिस्तान जाना है मुझे। अरे नहीं मामा जी आपकी बड़ी इज्जत हो गई है भैया, हमारी भी बड़ी, हर कोई पूछ रहा था आपके मामा जी है क्या, वो आपके मामा जी हैं क्या, छोटे अब हर घंटे की न्यूज़ में आपकी न्यूज़ आ रही है, एक चाहे चंद सेकेंड की क्यों ना आ रहा। फिर इकबाल के दाढ़ी वाले को देख के फिर न्यूज़ हर आदमी, यार ये कौन है मुसलमान, ये टी वी पर आ रहा थैलेसीमिया 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 कहना भी नहीं आ रहा था लोगों को, वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक स्टेज बनाया सदर में, ये मैं सदर की बात कर रहा हूँ, ये समझिए आप, कलेक्टर साहब कमिश्नर साहब नीचे कुर्सी पे बैठे हुए थे या खड़े थे, बाबा जी को उन्होंने बिठाया हुआ था, बड़ी स्टेज पे सिर्फ मुझे बात करनी थी थैलेसीमिया के बारे में खाली अकेले को। वहाँ पे जब मुझे बुलाया कि भाई देखें पाकिस्तान से मोहम्मद इकबाल साहब आए हैं और ये बहुत बड़ा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में भी ये उसने कुछ तफसील बताई, हम इकबाल भाई को बुलाते हैं, इकबाल से इकबाल जी को बुलाते हैं, हम ये बताएंगे मजीद। पूरा पब्लिक फ्लेटों से उड़ते हैं, बच्चे झाँक रहे हैं इधर झाँक रहे हैं, रस्ते बाकी बन के कोई रक्षा अंदर आगे नहीं आ सकता, मतलब ये मैं इसको इसकी मेरी फीलिंग में बता नहीं सकता जो मैं कंडीशन देख रहा था। माशाल्लाह।